हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक पोकेवर्स के एक और नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लेवल इस गेम के अंदर जल्दी से कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, फास्ट लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फास्ट लेवल इंक्रीज करने से आपके अलग अलग इवेंट्स इस गेम के अंदर आप अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी ये वाली आईडी आप देख सकते हो, इसके अंदर मेरा लेवल कितना 9 है मेरा लेवल। और यहाँ पे देख सकते हो वीआईपी वीआईपी 0, सीपीपी सिर्फ 5000 ही है। और यहाँ पे लेवल देखो 9, और ये लेवल 9 सिर्फ इसकी वजह से हुआ है क्योंकि ट्यूटोरियल इस गेम के अंदर कुछ 15-20 मिनट का स्टार्टिंग में लोग ट्यूटोरियल देते हैं, तो वो ट्यूटोरियल की वजह से मेरा यहाँ पे लेवल 9 हुआ है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि और आप लेवल अप कैसे कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, एकदम बेसिक तरीका इस गेम के अंदर का, कि आप अपना इवेंट्स को कम्प्लीट करो और यहाँ से आपको एक्सपी, हर इवेंट के बदले आपको एक्सपी मिलती रहेगी, जिससे आपकी आसानी से अपग्रेड लेवल अप का इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे टास्क भी बहुत आसान है। यहाँ पे हेलो बोलना है, एडवेंचर में 2-3 बैटल करना है, जो टास्क भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। फ्रेंड्स बनाना है तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स कुछ लोगों को ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास फिलहाल इस आईडी के अंदर 0 फ्रेंड्स हैं। ये दो आईडी अरोन, अदनान, और कोई है कोई अच्छा नाम, पहचान वाला नाम, डार्क जो ज्वाइन कर लिया, डार्क जो कर लिया। ओके, देखते हैं इनमें से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा एक और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग का लेवल है तो बहुत कम कम चीज़ थी हमें को एक्सपी अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा लेवल 11 हो चुका है, और लेवल सिर्फ इसके वजह से हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने नॉर्मली टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। एक दो तरीका है, एक टास्क कंप्लीट करो और दूसरा है एडवेंचर के अंदर बैटल करो। पूरा एडवेंचर बना इसलिए कि आप वहाँ पर जाके बैटल करो और आपका टास्क इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा लेवल यहाँ पे फिलहाल 12 हो चुका है, बहुत जल्दी लेवल इंक्रीज़ होता है इधर पे। ओके, एक ब्रेक दोस्त बन चुका है तो उसको स्टेमिना भेजने का था, ये एक मिशन था स्टेमिना भेजने वाला, तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे खासे मिशन मेरे इधर पे कंप्लीट हो चुके हैं। इनको मैं क्लेम करूँगा तो यहाँ पे 100-100 एक्सपी मेरी आराम से मेरा लेवल अप इंक्रीज़ होगा। ठीक है, 50 एक्सपी कर लिया इधर पे, लेवल 13 हो चुका है मेरा, अपन ने लेवल 9 से चालू किए थे। अगले क्लिक पे लेवल 14 हो चुका है, ठीक है लेवल 14, नेक्स्ट किए 15 गायब हो गया, सीधा लेवल अपना इधर पे 16 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी अपना लेवल अप हो रहा है, 16 हो चुका है। एक और का लिख किया, एक और पर्चेस स्टेमिना करना था वो भी कर लिया, लेवल 17। और यहाँ पे स्टेमिना भी बहुत मेन चीज़ है इधर पे इस गेम के अंदर, क्योंकि अगर आपको लेवल अप करना है तो आपको स्टेमिना लगेगा ही। लेवल 18 तक अपन आ चुके हैं, 9 से चले गए तो 18 तक आ चुके हैं, डबल कर लिए। और यहाँ पे चैलेंज जी में एक और कर लिया, 19 आ चुका है। पर यहाँ पे ये कि स्टार्टिंग लेवल है तो कुछ कुछ एडवेंच, कुछ कुछ टास्क है जो आपको इधर पे डेली टास्क के अंदर आपके नहीं दिखेंगे, जैसे कि रोज़ जाके अपने पोकीबॉल फैक्ट्री के अंदर जाके पोकीबॉल कलेक्ट करो, तो ये भी एक टास्क है। पर यहाँ पे ये मेरा टास्क मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा इतना लेवल हुआ ही नहीं है और मेरी पोकीमॉन की जो फैक्ट्री है वो भी अनलॉक नहीं हुई है। तो ऐसे एक दो कुछ और छोटे छोटे टास्क होंगे जिससे आपको एक्सपी मिलती है, पर यहाँ पे फिलहाल नहीं बता रहे क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी लो है, मेरा पोकीमॉन फैक्ट्री अनलॉक नहीं हुआ है। और जो न्यू प्लेयर लोग है, न्यू सर्वर, तो यहाँ पे न्यू सर्वर जो कार्निवल इवेंट आया है इसके अंदर से भी आप एक जगह है यहाँ से स्टेमिना परचेज कर सकते हो। डे 6 पे यहाँ पे देख सकते हो पैक के अंदर यहाँ पे आपको सुशी का पैकेट मिलेगा 800 डायमंड के अंदर, तो आपको यहाँ से 5 सुशी का स्टेमिना ले सकते हो। ये स्टेमिना आपको काम आएगा एडवेंचर में और बैटल करने के लिए, जिससे आपका लेवल अप इंक्रीज़ होगा। ठीक है, स्टेमिना पे करने के और भी जगह हैं, और भी कुछ तरीके हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ के मैं सारे रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेम भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब भी कलेक्ट कर लिया। और क्या इधर पे फ्रेम इग्नोर करेंगे इधर पे, लेवल 5, ओके ठीक है, 200 क्लेम कर लिया इसको भी, एडवेंचर ये भी क्लेम कर लिया। ओके, डायमंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड से अपन परचेज भी कर सकते हैं स्टेमिना को, और भी जगह है जहाँ से अपने को स्टेमिना मिलता है, ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्री पैक के अंदर से भी आपको एक फ्री का एक स्टेमिना मिल जाता है, स्टेमिना का आप स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा डेली स्टोर से परचेज करने वाला भी। ठीक है, ये कलेक्ट कर लिया 2 पिन यहाँ से, ठीक है। और ये क्या है, फ्री टास्क, फ्री वीआईपी 0 मिल गया, 0 ये तो फ्री में मिलेगा, तो ये मैं यहाँ से कलेक्ट कर लिया। और मैं देखो टास्क मेरे स्टेमिना भेजने वाला टास्क था, ऐड फ्रेंड, ओके न्यू रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसको। ओके, तो ऐड कर लिया इधर पे, ऐड करने वाला भी था, ऐड करने वाला वो नहीं है पर दूसरी चीज़ ऐड करने वाला, पर एक रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो, बैकपैक के अंदर आप जाओगे प्रॉप के अंदर तो प्रॉप के अंदर 5 ये भी मेरे को यहाँ पे मिला है, जो अपन स्टोर से परचेज भी कर सकते हैं स्टेमिना अपना डायमंड या कॉइन दे के। बाकी आप सिंपली यही एडवेंचर में आके कर सकते हो। यहाँ पे और स्टेमिना मैंने कलेक्ट करके लेके आया हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो और लेवल अप कर रहा हूँ मैं, लेवल अप 21 हो चुका है मेरा इधर फिलहाल, फिलहाल यहाँ पर 21 स्पीड अप किया हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं बैटल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्वाइप कर रहा हूँ। जो लेवल को आप डिफीट कर चुके हो वहाँ पर आके आप वही बैटल को 10 बार स्वाइप कर सकते हो एक ही साथ,
आपका 50 वो लगेगा उसके लिए, स्टेमिना लगेगा 50 सुशी और आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 लेवल तक अपन आ चुके हैं। अपन यही सब करते करते वो बहुत आसान है। और देखो यहाँ पे मेरा वो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे एक सुशी जो मेरे को फ्री में रिवॉर्ड मिली थी, और ये 5 सुशी जो अपन ने वो न्यू ईयर कार्निवल वाली के अंदर से इवेंट के अंदर से निकाले हैं, तो वहाँ से भी अपने को अच्छी खासी सुशी मिल चुकी है। अपन यहाँ से और अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेवल 25 पे अपन आ चुके हैं फाइनली। लोग बोल रहे थे कि कोई कोई प्लेयर है जो VIP 0 हैं फिर भी उनका लेवल 33 तक पहुंच जा रहा है। सारे मेथड लोग बोल रहे थे कि हमने सारे मेथड किए पर हम 33 तक नहीं पहुंच पाए, पर उन लोग ने ऐसा अलग क्या किए कि वो लोग लेवल 33 तक पहुंच पाए। तो मेरे को तो उस गेम के अंदर कुछ ऐसा अलग कोई मेथड तरीका दिखा नहीं जिससे लोग पहुँच पाए। तो अगर तुम लोग को पता है और भी कोई मेथड जो मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, और भी कोई तुम लोग अलग से मेथड पता है जिससे तुम अपना लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना। और यहाँ पे प्लेट भी अपना क्लेम स्टेमिना वाला, तो यहाँ से भी अपने को स्टेमिना मिल जाता है। 300 स्टेमिना यहाँ से भी अपने को डेली का समझो 300 स्टेमिना अपने को यहाँ से भी मिलते रहता है। तो ये भी क्लेम करके 300 स्टेमिना है, 50 का एक ही जा रही था, 3-3-6-6 बार स्वाइप अपन यहाँ से भी कर सकते हैं जिससे भी अपना लेवल अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा। रिमेनिंग ये नहीं, नेक्स्ट डे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेवल 27 अपन इधर पे रीच कर चुके हैं, 9 से चालू किए थे और लेवल 27 तक आ चुके हैं अपन। ठीक है, इधर पे अब देखो स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। स्टेमिना मेरा 254 है, लिमिटेड मैक्सिमम है, और 254 स्टेमिना होने के लिए यहाँ पे देख सकते हो 20 घंटे 49 मिनट लेगा। यानी कि समझ जाओ सीधा कितना, 21 घंटे पकड़ के चलो, मतलब पूरा एक दिन ही समझो कि उतना टाइम लगेगा इसको स्टेमिना को पूरा रिबिल्ड करने के लिए। बाकी अब मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से परचेस होता है और कहाँ कहाँ से फ्री में मिल सकता है। और भी तुम लोग कोई तरीका पता है तो कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।